Welcome back, dear students. Today in this video, we are going to discuss about the lotions. Lotions जो हैं वो monophasic liquid dosage form की ही एक formulation है और इनको हम study जो हैं इसलिए करते हैं क्योंकि ये हमारे daily routine में बहुत ही ज़्यादा use होने वाले product हैं. आप lotion जो हैं वो घर पर बहुत ही ज़्यादा use करते हो, winters के time पर तो सबसे ज़्यादा, right? तो लोशंस जो हैं वो एक्चुअल में होते क्या हैं और उनके अंदर क्या क्या चीज़ें ऐड होती हैं, ये हम आज की वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. है लोशंस क्या हैं? लोशंस आर द लिक्विड प्रिपरेशंस दैट आर मेंट फॉर द एक्सटर्नल एप्लीकेशन. एक्सटर्नल एप्लीकेशन मीन्स आपको उनको स्किन के ऊपर अप्लाई करना है. इससे पहले की वीडियो के अंदर हमने लिनमेंट्स किए थे, तो लिनमेंट्स भी जो हैं वो स्किन के ऊपर अप्लाई किए जाते हैं, बॉडी के ऊपर टॉपिकली अप्लाई किए जाते हैं. बट द मेन डिफरेंस बिटवीन द लिनमेंट्स एंड द लोशन इज जो लिनमेंट्स हैं वो स्किन के ऊपर रबिंग की हेल्प से पेनिट्रेट करवाए जाते हैं, उनको एब्जॉर्ब करवाया जाता है स्किन में. बट लोशंस के साथ ऐसा नहीं है. लोशंस को पेनिट्रेट करवाने के लिए की या फिर रबिंग की या फ्रिक्शन की ज़रूरत नहीं है. उनको आपको एज सच अप्लाई करना है अपनी स्किन पे कि ताकि वो एब्जॉर्ब हो जाएं. तो लोशंस जो हैं उनको रबिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, राइट? सो लोशंस क्या हैं? लोशंस आर द लिक्विड प्रिपरेशंस दैट आर मेंट फॉर द एक्सटर्नल एप्लीकेशन विदाउट फ्रिक्शन और विदाउट रबिंग, राइट? तो ये है लोशंस. देन लोशंस को हम यूज़ क्यों करते हैं? लोशंस को कूलिंग सूदिंग एक्शन के लिए यूज़ किया जाता है ताकि आपकी बॉडी पर कूलिंग एक्शन हो, ड्राइनेस आपकी चली जाए, प्रोटेक्टिव एक्शन शो करते हैं. या कोई कोई अगर मेडिसिनल पर्पसेस के लिए लोशन यूज़ कर रहे हैं तो इनकी एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, राइट? तो बहुत सारे और इवन एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, लाइक कीटोकोनाजोल लोशन, राइट? तो डिफरेंट पर्पसेस के लिए हम उसको यूज़ करते हैं और टॉपिकली अप्लाई करते हैं अपनी स्किन पे. सो लोशन में भी यूज फॉर द कूलिंग एंटीसेप्टिक एक्शन. फॉर एग्जांपल एंटीसेप्टिक में आपका कैलामाइन लोशन आता है. देन द सूदिंग एंड प्रोटेक्टिव एक्शन, ठीक है? तो प्रोटेक्टिव एक्शन और सूदिंग एक्शन ये हमारी बॉडी को देते हैं, हमारी स्किन को देते हैं. देन अल्कोहल जो है वो एक मेन कॉम्पोनेंट है इसका, वो भी लोशंस के अंदर डाला जाता है फॉर फॉर गिविंग द कूलिंग एंड सूदिंग एक्शन. फॉर एग्जाम्पल इन सैलिसिलिक एसिड लोशन जो है, अल्कोहल एक मेन इन्ग्रीडियंट है जो कि हेल्प करवाता है कूलिंग एक्शन देने में और सूदिंग एक्शन देने में. तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं लोशंस के. एंड देन अगर लोशंस की लेबलिंग की बात करें हम, तो कंटेनर के ऊपर सबसे इम्पॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए वो होनी चाहिए कि फॉर एक्सटर्नल यूज़ ओनली. बिकॉज मिस्टेकनली भी इस ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो पेशेंट है, कंज्यूमर है, उसको इंटरनली एडमिनिस्टर करे. इसलिए ये चीज़ हमेशा मेंशन होनी चाहिए इन द रेड बॉक्स, फॉर एक्सटर्नल यूज़ ओनली. ये लिनमेंट्स के साथ भी है और ये लोशंस के साथ भी है कि दोनों के ऊपर लेबलिंग इंस्ट्रक्शन ये होनी ही होनी चाहिए. देन कमिंग टू द कैलामाइन लोशन, एग्जाम्पल जो है इसका कैलामाइन लोशन हम आज डिस्कस करने वाले हैं. इसके अंदर हम मेन इंग्रेडिएंट्स जान लेते हैं कि क्या क्या होते हैं. तो फर्स्ट है आपका कैलामाइन, देन जिंक ऑक्साइड, बेंटोनाइट, सोडियम सिट्रेट, लिक्विड फिनोल, ग्लिसरीन एंड रोज वाटर हम एज अ सॉल्वेंट इसके अंदर यूज़ कर रहे हैं ताकि हम इसका प्रिपेयर कर सकें एक लोशन. सो बेसिकली हम करते क्या हैं बच्चों? सो सबसे पहले हम सोडियम सिट्रेट और जो हमारा वाटर है, रोज़ वाटर, उसको हम ऐड करते हैं. सबसे पहले सोडियम सिट्रेट हम लेंगे और सिट्रेट के अंदर हम वाटर ऐड कर देंगे और एक तरीके से सल्यूशन उसका फॉर्म कर लेंगे. सल्यूशन जब हमने बना लिया, उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद हम जो बाकी के इंग्रेडिएंट्स हैं उनको ट्राइचुरेट कर देंगे. ट्राइचुरेट जिंक ऑक्साइड लाइक बेंटोनाइट, कैलामाइन भी इसके अंदर आएगा. तो जो बाकी के इंग्रेडिएंट्स हैं वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, उसको ट्रिचुरेट कर देंगे एंड देन अल्टीमेटली इसके अंदर मिक्स कर देंगे एक्सेप्ट फिनोल. ठीक है, फिनोल आपको बाद में यूज़ करना है. सबसे पहले हमने सोडियम सिट्रेट और वाटर का मिक्सचर बना लिया, देन उसके बाद हमने ट्राइचुरेट किया बाकी के इंग्रेडिएंट्स. आफ्टर दैट वही इंग्रेडिएंट्स हमने उसके अंदर मिक्स कर देने हैं एंड देन वी ऐड लिक्विफाइड फिनोल, जितनी भी हमारी रिक्वायर्ड क्वांटिटी है वो ऐड करेंगे एंड फिर से उसे हम ट्राइचुरेट करेंगे ताकि वो प्रॉपर मिक्स हो जाए, राइट?
सो ये जनरल प्रोसीजर है. देन आफ्टर दैट आपका जो लोशन है वो बन के आ जाएगा एक तरीके से. लास्ट में हमने वॉल्यूम मेकअप करनी है अप टू 1000 ml, जितना भी वैसे क्वांटिटी का आप बना रहे हो, बिकॉज लेबोरेटरी स्केल पे हम 1000 ml ना करके हम 100 ml और 500 ml के यू नो क्वांटिटी में वो चीज़ सेट कर लेते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम अपना फॉर्मूला भी वैसे ही सेट करते हैं. अभी ये फॉर्मूला 1000 ml के लिए है, तो अगर आपको 1000 ml बनाना है, लास्ट में आपको वॉल्यूम मेकअप भी 1000 ml की ही करनी होगी. सो ये बेसिक प्रोसीजर है जिसकी हेल्प से हम लोशन बना सकते हैं. ये कैलामाइन लोशन का यू नो फॉर्मुलेशन है. एंड इसके अलावा आपका सैलिसिलिक एसिड लोशन या जितने भी लोशंस आप किटोकोनाजोल लोशन जो हैं उनका लिए आपका डिफरेंट डिफरेंट प्रोसीजर है. एंड सो दिस इज़ ऑल अबाउट द लोशन. एंड इसकी जो लेबलिंग है वो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि इसमें फॉर एक्सटर्नल यूज़ हमें इंस्ट्रक्शन ज़रूर डालनी है. एंड वेल फिटेड बॉटल्स के अंदर हम इसको प्रिजर्व करके रखेंगे, बिकॉज किसी भी तरीके से ये इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिस्टेकनली इसको एडमिनिस्टर ना करें, तो इस तरीके से हमें इसका कंटेनर का ध्यान रखना होगा. एंड यस, तो जो स्टोरेज है इसकी कूल एंड ड्राई प्लेस पर हमें रखनी होगी. And this is all about the lotion. Thank you so much, and thank you so much for watching my videos, and keep supporting. Thank you.